आज हम सिस्टम की एक अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सिस्टम हमने स्पेशली डिज़ाइन किया फॉर 4K एडिटिंग। उसके हम वन बाय वन कंपोनेंट्स को हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनेगा। अब हम जो है कंपोनेंट्स को आप वन बाय वन बताते हैं उसकी डिटेल। सबसे पहले तो हम प्रोसेसर की अगर बात करें तो हमने लेटेस्ट जनरेशन AMD का प्रोसेसर लगाया, दैट इज़ AMD Ryzen 5। ये 3.8 GHz इसकी जो है बेस है और इसके अंदर 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स हैं। ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है, नया प्रोसेसर है और ये हमें बड़े हेल्प करेगा 4K एडिटिंग के लिए। मदरबोर्ड जो हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ASUS ROG और इसका जो मॉडल है B550F। इसके अंदर तमाम एसेंशियल्स कंपोनेंट हम जो है इसके अंदर पोर्ट करेंगे और ये 2 ग्राफिक कार्ड भी सपोर्ट करता है और इसके अंदर हम रैम और बाकी चीज़ें भी जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अंदर 4 ग्राफिक कार्ड्स हम इनपुट कर सकते हैं और इसके अंदर रैम की जो स्लॉट्स हैं वो भी 4 हैं। और स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है AMD Ryzen के प्रोसेसर्स के लिए। अगर हम इसमें फर्दर फ्यूचर की अपग्रेड भी करना चाहें, जैसे AMD Ryzen 7 है या Ryzen 9 है, तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा बोर्ड है तमाम अपने कंपोनेंट्स को हम असेंबल करने के लिए। इसके अलावा हम जो पावर सप्लाई यूज़ करेंगे वो दैट इज़ ASUS की 1000 वॉट पावर सप्लाई है। ये इनफ है 2-3 कार्ड्स को सपोर्ट करने के लिए और इससे भी अगर हायर एंड के कार्ड्स हम अगर लगाना चाहें तो वो भी इसको सपोर्ट करेगी। अपने पीसी में जो सबसे मेन कंपोनेंट या जो पावरफुल कंपोनेंट है वो हम लगा रहे हैं, वो है RTX 3060 और इसको जो बनाया है वो ASUS ने बनाया है। ये भी हमने जो है ना आज अपने जो सिस्टम के अंदर इसके अंदर हमने लगाया है, ठीक है। तो ये आइए हम आपको अब अपनी गेमिंग रिग जो है वो दिखाते हैं। ये हमारी जो रिग है वो गेमिंग के लिए भी और 4K एडिटिंग दोनों काम करेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो है हमने तमाम कंपोनेंट्स असेंबल कर दिए हैं। इसमें मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि चीज़ें किस तरह से लगी हुई हैं। सबसे नीचे जो है वो मदरबोर्ड है, इसके ऊपर हमने प्रोसेसर और उसका जो कूलिंग फ़ैन है वो लगाया है। इसके अलावा जो SSD है वो यहाँ पे इसके अंदर प्लेस हुई है। इसके अलावा जो रैम है वो यहाँ पर लगी है और ये 2 ग्राफिक कार्ड्स जो हैं ये हमने यहाँ पर माउंट कर दिए हैं। इसके अलावा इसकी जो पावर सप्लाई है वो इसकी बैक साइड पर है। ये इसकी पावर सप्लाई लगी हुई है और इसका वो यूनिट है जिसके अंदर तमाम कंट्रोल्स मौजूद हैं। इसके पीछे तमाम इसकी पोर्ट्स मौजूद हैं। इन कार्ड्स के अंदर 4 डिस्प्ले पोर्ट्स हैं और HDMI पोर्ट्स भी हैं। इसके अलावा इसके अंदर USB और तमाम साउंड के कंट्रोल्स ये सारे मौजूद हैं। ये जो केसिंग है ये लियानली कंपनी के, ये चाइनीज़ ब्रांड है और ये बड़ी ख़ूबसूरत केसिंग है। इसको भी हम जो है ना पूरा को पूरा असेंबल करके भी आपको दिखाएंगे। इसके तमाम जो साइड पे जो ग्लास की केसिंग्स हैं ये सारी हम आपको लगा के दिखाएंगे। इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो बेस्ट इन द मार्केट है, ये दैट इज़ 1000 वॉट और ये काफ़ी पावरफुल पावर सप्लाई है और ये काफ़ी हैवी ग्राफिक कार्ड्स। इसके अलावा भी अगर हम कोई फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहें तो वो इसको हैंडल कर सकता है बहुत ही। आपको
थोड़ा ऊपर, हाँ स्लाइड, यस सेम। ये तमाम जो है हमने इसको असेंबल कर दिए और ये देखें काफ़ी खूबसूरत केसिंग है। इसमें तमाम कंपोनेंट्स अंदर जो है वो नज़र आते हैं बाहर। ये इसके अंदर जो है वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी हुई है, ऊपर से टॉप से भी इसके अंदर वेंटिलेशन है, इसके अंदर बॉटम से वेंटिलेशन है, इसके अलावा इसके साइड से भी जो है वेंटिलेशन है। और ये काफ़ी जो है ना हैवी ड्यूटी केसिंग है। ये हमारा जो सिस्टम है ये रेडी है फॉर गेमिंग, फॉर 4K एडिटिंग और दैट्स इट।